धीरे चलो ना। तुम थोड़ी तेज नहीं चल सकते क्या? तुम साइड में आओ, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। यहीं पे कर लो ना। नहीं, साइड में आओ तुम। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी मम्मी को साथ लेके आने की? एक तो वो इतनी बुढ़ी हो रखी है, ऊपर से उनसे चला नहीं जा रहा है। यार धीरे बोल लो, मम्मी सुन लेंगी। क्या सुन लेंगी, मैंने उनका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। एक तो उनकी पर्सनालिटी देख और मेरी पर्सनालिटी देख, कहीं से भी मैच नहीं होती। तुझे आज हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो तू अपनी माँ को लेके निकल या मेरे साथ चल। तो सुन, तू है मेरी गर्लफ्रेंड जो 4 दिन पहले बनी है, और वो है मेरी माँ जिसने पाल पोस के मुझे इतना बड़ा करा। मेरी उंगली पकड़ के उसने चलना सिखाया है, तूने नहीं सिखाया। और जो ये तूने कपड़े पहने हुए ना, ये भी पैसे मेरी माँ ने दिए थे कि जा उसे कपड़े दिला दियो। ये कपड़े भी उसी के पैसों के हैं। जितना तू बोल रही है ना, इतना कोई और होता अभी गोली मार देता। समझ आई बात? और जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे ये चीज पता चलेगी। आज नहीं पता चलेगी, चल निकल। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तू माँ बनेगी ना, जब तक तुझे ये चीज पता चलेगी। आज नहीं पता चलेगी, तू माँ बनेगी ना, जब तक तुझे ये चीज पता चलेगी। आज नहीं पता चलेगी, तू माँ बनेगी ना, जब तक तुझे ये चीज पता चलेगी। आज नहीं पता चलेगी, तू माँ बनेगी ना, जब तक तुझे। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो। यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। तुम सही कह रहे थे, जब मैं माँ बनूंगी तो मैं भी ये दिन नहीं देखना चाहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें समझ तो आ गया ना? कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना? आज भी तोरी जो अगर आप भी अपनी माँ से इतना ही प्यार करते हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारा YouTube चैनल बकलोल वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये लाल वाला बटन प्लीज दबा दो गाइस, दबा दो गाइस, दबा दो। मेरी माँ।